गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस तरह का ऑरेंज एंड ग्रेटन पॉटरेटिंग सिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके में, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइट रूम में आपको यूज़ करते हुए। अगर आपको भी करना है कुछ इस तरह का सेम टू सेम पॉटरेटिंग, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना। और आप मेरे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं पॉटरेटिंग रिलेटेड वीडियो रोज लाते रहता हूँ। जो गाइस, चले जाओ बात के बिना आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको लाइट रूम में आपके अंदर फोटो को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको साइड में थ्री डॉट में क्लिक करके ऐड फोटो में क्लिक करके आपको फाइल में आ जाना है दोस्तों। और आपका जो फोटो रहेगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद वो लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपका जो फोटो इधर ऐड हो जाएगा। तो ऑल फोटो वाला ऑप्शन इन्हें मिलेगा, उसमें क्लिक करना है। तो आपने जो फोटो इंपोर्ट किया इधर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले फोटो का लाइट को आपको एडजस्ट करना है। तो आ जाना है आपको लाइट वाला टूल्स में। तो अब सबसे पहले आपको कहना है कॉन्ट्रास्ट को माइनस करके -10 कर देना है। हाईलाइट को इंक्रीज करना है, हाईलाइट को इंक्रीज करके आपको क्या करना है 28 के आसपास रख देना है। उसके बाद आपको सिंपली आ जाना आपको कलर वाला टूल्स में। इसमें आने के बाद आपको सबसे पहले टेम को इंक्रीज करना है। इसे इंक्रीज करके आपको क्या करना है, इसे 12 पर रख देना है। ठीक है, 12 के आसपास रख देना दोस्तों। उसके बाद आपको इसकी जो टेंट है, टेंट को माइनस करना है सिंपली। इसे माइनस करके -20 पे रख देना दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है आपको मिक्स टूल्स में। इसमें आने के बाद आपको सबसे पहले आपका जाना ऑरेंज वाला कलर में। तो इसका जो सैचुरेशन है इसे आपको 20 कर देना है, -20। लुमिनेंस को कुछ इस तरह इंक्रीज करके 26 पे रख देना है। उसके बाद आपको सिंपली आ जाना आपको येलो वाला कलर में। येलो वाला कलर में आने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो ह्यू है, ह्यू को -60 पे रख देना है। ह्यू को कुछ इस तरह से माइनस करके -60 पे रख देना दोस्तों। सो हो गया। उसके बाद आपको सैचुरेशन को भी आपको क्या है ना -60 पे रख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको आ जाना है ग्रीन वाला कलर में। तो ग्रीन वाला कलर में आने के बाद आपको क्या है, इसका सैचुरेशन है इसे आपको एकदम माइनस कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको लुमिनाइज को इंक्रीज करना है। तो लुमिनाइज को इंक्रीज करके +15 कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको आ जाना है आक्वा ब्लू कलर में। आक्वा ब्लू कलर में आने के बाद आपको सैचुरेशन की इंक्रीज करना है। इसे इंक्रीज करके आपको क्या है इसे आपको 60 पर रख देना है। उसके बाद आपको सिंपल आ जाना है ब्लू वाला कलर में। इसके जो यू है, यू को माइनस करना है, माइनस करके -22 पे रख देना है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली डन में क्लिक कर देना है। इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपका फोटो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी दोस्तों सिंपली आपका जाना है कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन में। इसमें आने के बाद आपको शेडो, मिड टोन, हाईलाइट, ग्लोबल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाना है शेडो में। शेडो में आने के बाद आपको इस एडो में क्लिक कर देना है दोस्तों। तो इस एडो में क्लिक करने के बाद आपको इसका जो ही वाला को सैचुरेशन इस आपको एडजस्ट करना है। तो इसका सैचुरेशन को इंक्रीज करके हम लोग क्या रहेंगे +27 पे रख देंगे दोस्तों। तो ह्यू को कुछ इस तरह से इनके इसके 249 पे रख देना दोस्तों। उसके बाद आपको इस जो ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड को आपको एकदम फुल कर देना है, फुल 100 कर देना दोस्तों। उसके बाद आपको इसके जो बैलेंस है, बैलेंस को कुछ इस तरह से इंक्रीज करना है। तो इसे इंक्रीज करके 34 पर रख देना है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है सिंपल आपको मिड पॉइंट पर आना है। मिड पॉइंट पर आने के बाद आपको क्या है सबसे पहले सैचुरेशन को इंक्रीज करके आपको क्या है 40 पर रख देना है दोस्तों। ठीक है, सो उसके बाद आपको क्या है ह्यू को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 229 पर रख देना है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है आपको ग्लोबल में। लास्ट में है ग्लोबल, तो ग्लोबल में आना है। इसका सैचुरेशन को रखना है 27, कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 27 पर रख देना दोस्तों। और इसका जो ह्यू है, ह्यू को रखना है 282 दोस्तों। सिंपली डन में क्लिक कर देना है। तो इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने के बाद फोटो में कलर आ चुका है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो इसका जो स्किन का कलर है ज़्यादा गोरा हो गया। तो सिंपली इसका जो ऑरेंज वाला कलर का सैचुरेशन है सबको माइनस कर देना है। तो मैं इसे एकदम माइनस कर देता हूँ दोस्तों, उसको डन में क्लिक कर देना। उसके बाद आपको आ जाना इफेक्ट वाला टूल्स में। स्ट्रक्चर को सबसे पहले इंक्रीज करना है। इसे इंक्रीज करके आपको क्या करना है 18 पे रख देना है। क्लियरिटी को इंक्रीज करके आपको क्या करना है 26 पे रख देना है। डीआईएस को इंक्रीज करके आपको करना है 18 पे रख देना है। विग्नेट को सिंपली माइनस करना है। विग्नेट को माइनस करके हम लोग क्या करेंगे -30 पे रख देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको मिड पॉइंट को डिक्रीज करना है। मिड पॉइंट को डिक्रीज करके 40 पे रख देना है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली फेदर को एकदम फुल कर देना है। फेदर को फुल करने के बाद फोटो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अभी जैसे फोटो में डिटेल्स को अप्लाई करना है, आज ना डिटेल्स वाला टूल्स में शार्पिंग को आपको कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 50 पे रख देना है दोस्तों। नॉइस सेशन को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 35 पे रख देना है। और आपको कलर नॉशन को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 35 पे रख देना है। तो इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने फोटो एकदम बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। आप लोग देख ही सकते हो कितना ऑसम लग रहा है दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद आपको सिंपली शेयर में क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है। सो दोस्तों, और एक बात, इसका जो प्रीसेट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप प्रीसेट को उधर से फ्री इमीजिएटली डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको दिखने को मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।